नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आज की ये वीडियो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे खूबसूरत और सबसे ज्ञानवर्धक वीडियो होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को धन से जुड़ी हुई बड़ी समस्या यानी कि रुपए पैसे की दिक्कत और उनके बड़े समाधान और इस समस्या के विषय में ज्योतिष क्या कहता है, ये सब हम आध्यात्मिक, हमारा धर्म क्या कहता है, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। आपके जीवन में क्या कमियां हैं, क्या धन आपके पास में क्यों नहीं आता, और आता भी है तो टिकता क्यों नहीं है, क्यों एक हाथ से पैसा कमाया और दूसरे हाथ से चला जाता है, और आपके दोस्तों जो उद्योग धंधे हैं, व्यापार हैं, ये सब ठप क्यों होते चले जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कभी पैसा आपके पास आया नहीं है, पैसा तो आया है लेकिन आपके पास पैसा वह रुकता नहीं है। तो आखिरकार क्या समस्या है, कहाँ दिक्कतें हैं, ज्योतिष क्या कहता है इस विषय पर कि आखिरकार क्यों आपके जीवन में समस्याएं हैं, क्या कोई धार्मिक समस्या है, क्या आपका भाग्य खराब है या फिर आपको किसी की नज़र लग चुकी है आपके जीवन में। जी हाँ दोस्तों, बता दें अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप लोग कोई भी कारोबार शुरू करते हैं, व्यापारी शुरू करते हैं, तो दोस्तों शुरुआत में आपको अच्छा धन लाभ होता है लेकिन कुछ समय के बाद वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको अपना व्यापार या तो बंद करना पड़ता है या फिर बहुत ही कम धन लाभ में उसे आपको चलाना पड़ता है, जिससे आपका मन उस व्यापार में नहीं लगता है। कभी कभी आपको बहुत बड़े बड़े घातक बड़े बड़े नुकसानों का भी सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों हो सकता है कि समस्या कहीं और है और हम उसे तलाश कहीं और रहे हैं, समाधान कुछ और है, जबकि समस्या किसी अन्य प्रकार की है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके जीवन से जुड़ी, धन से जुड़ी समस्या के बारे में विस्तार से बताएंगे और आपको एक सही निष्कर्ष समझाएंगे कि आपके जीवन में समस्या आखिरकार है कहाँ और आपको कहाँ पर उस समस्या पर काम करना है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप हमारे कहने से पूर्व को देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके मन के कई प्रश्नों के जवाब आपको प्राप्त होने वाले हैं, कई रास्ते आपको मिलेंगे और दोस्तों आप लोगों को यह पता चलेगा कि आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर समस्याएं आखिरकार क्यों हैं। दोस्तों हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि यदि आप आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपके जीवन में रुपए पैसे को लेकर कोई भी समस्या फिर नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए ज्ञान को आप अपने जीवन में उपयोग में अवश्य लाना पड़ेगा। खाली वीडियो देख लेने से काम नहीं चलता दोस्तों, आपको वीडियो में बताई गई बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा और उसके बाद ही जो भी कार्य आपको करने के लिए दिए जाएंगे, जिन्हें हम उपाय कह सकते हैं, उन्हें भी आपको पूरे भाव के साथ में करना होगा और आप देखेंगे कि बड़े चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। धीरे 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 आपके जीवन में तरक्की प्रवेश करने लगेगी, धन की प्रचुरता आपके जीवन में आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में बताई गई हर एक बात ज्योतिषी आकलन के आधार पर आपके ग्रह की स्थिति समझते हुए बताई जा रही है। इसके साथ ही साथ हमने अपनी वैदिक संस्कृति, अपने शास्त्रों को भी इसमें शामिल किया है और दोस्तों इसके साथ ही हम आपको कुछ खास बातें भी बताने वाले हैं। याद रखिए कि करोड़पति को भी कंगाल बना देती हैं ये आदतें। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम है सुबह देर से उठना। दोस्तों जो लोग सुबह देर तक बिस्तर में पड़े रहते हैं और सूर्य उदय के काफी देर तक भी सोए रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर दो पर आते हैं कड़वाडोट बोलने वाले, ऐसे लोग जो हमेशा चिड़े रहते हैं और अपशब्द या फिर कड़वे बोल बोलते हैं, उनसे भी माँ लक्ष्मी नाराज रहती हैं। नंबर तीन, धन का घमंड। घमंड या फिर अहंकार किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को अपने धनी होने का जरूरत से ज्यादा ही घमंड होता है। ऐसे लोगों की दैनिक क्षमता कम हो जाती है और वे अपना धन व्यर्थ की चीजों में खर्च करके दर्द बनते जाते हैं। तो दोस्तों आज का यदि खास ज्ञान आपको पसंद आया हो और आप कुछ बेहतर सीख पाए हो तो एक लाइक जरूर से कर देना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके आज के साप्ताहिक राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका दिन, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आप किसी गुरु समान व्यक्ति का सन्निक्त मिलने से आप लोगों को ताजगी और प्रसन्नता का अनुभव होने वाला है। दोस्तों इस समय भविष्य संबंधी योजनाओं को कार्य रूप देने का काफी उत्तम समय है।
दोस्तों, प्रॉपर्टी की खरीद संबंधी में रुका हुआ कार्य भी आपका संपन्न होने वाला है। दोस्तों, विद्यार्थियों को अपने किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित काफी बेहतरीन उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं। वही संबंधी अथवा बाहरी लोगों के साथ में मेलजोल करते समय अपने व्यवहार में सौम्यता लाने की आवश्यकता लाने होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, चिंता ना करें, वस्तु आप लोगों की जो आप लोगों ने कहीं भूल करके रख दी थी, वह आप लोगों को आपके घर पर ही मिलेगी। दोस्तों, इसके विषय में आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। कारोबार में अपने पार्टियों के साथ डील करते समय नरम व्यवहार रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, इस समय आप अपने काम की क्वालिटी को और अधिक करने का थोड़ा प्रयास करिएगा। इसी के साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को एक्स्ट्रा काम की वजह से ओवर टाइम करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण और खुशनुमा रहेगा। दोस्तों, प्रेमी और प्रेमिका की मुलाकात आज बेहद ही सुखद रहने वाली है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि घरेलू मामले आज आप लोगों को बहुत ही बिजी रख सकते हैं, जिससे आपको अपने दिल भर के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, कॉल करके या फिर मैसेज के माध्यम से आई लव यू बोलकर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, वाहन की खरीदारी के लिए भी आज का दिन काफ़ी शुभ रहने वाला है। आज आप दुनिया के सुखों का मज़ा लेने में व्यस्त रहने वाले हैं। वस्तुतः आपका शांत स्वभाव सबको आकर्षण करता है। दोस्तों, अपने साथी और परिवार के साथ में व्यक्त बिताइए और आप अपने यौन क्षितिज का विस्तार करिए। एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है और हो सके तो प्यार करने की और रोमांस करने के तरीकों को भी आप लोगों को अलग अलग करके देखने की आवश्यकता है। इससे जीवन काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपके दिमाग में आज कुछ अद्भुत विचार आ सकता है और आप लोगों को इसी हाथों हाथ केवल इसीलिए रद्द नहीं कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इसे पाना मुश्किल लग रहा है। दोस्तों, आज बड़ा सोचने विचारने का दिन रहने वाला है। ऐसा करने के लिए आपको बाधाओं की सूची बना करके अच्छी योजना बनानी होगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में, आपका प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आप अपने किसी भी करीबी पर इसे उतारना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपका साथी इस आवेग में रह सकता है और दोस्तों, आपका उसके साथ में संबंध कुछ खराब हो सकता है। दोस्तों, इसके साथ ही साथ अपने साथी को समझाएं कि आगे अतीत की कुछ भावनाओं के कारण ही जो अभी तक उनसुलझी रह गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने कपड़ों के कुछ हिस्से में नीला रंग आपको अवश्य पहनना है और अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने की कोशिश करिए। दोस्तों, यदि आप अनियंत्रित रहें तो उसकी तीव्रता को कम करने की कोशिश आपको अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, यह बात जरूरी है कि आप अपने रोमांटिक लाइफ के मामले में आराम से काम लीजिए। आप हर एक भावना के बारे में बहुत जल्दी गंभीर हो जाते हैं, ऐसे करते रहना और संभव नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आपको अब जरा धीमे चलने की आवश्यकता है। आपको अपनी बेचैनी को रोमांस और प्यार के इजहार के पुराने तरीकों से बदलने और हालांकि दोस्तों आपको बता दें, आपका दिमाग आपको सब कुछ तेजी से करने को कह सकता है। प्यार भरे छोटे छोटे इशारे आप लोगों की बातों को समझाने के लिए काफी बेहतर रहेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आगे जाने से पहले आपको अपने वीकेयर करियर से संबंधित योजनाओं के अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों ही नतीजों पर विचार करने की आवश्यकता रहने वाली है। आपको कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको अपने करियर से संबंधित योजनाओं का एक खाका तैयार करना होगा, जिससे दोस्तों आप लाभ और हानि का विश्लेषण कर सकते हैं। दोस्तों, दोबारा अपने निर्णय का मूल्यांकन करें। जानकार व्यक्ति से राय प्राप्त करना भी सार्थक हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का आपका साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।